शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। मराठवाड़ा में सोयाबीन उगाने वाले किसानों के लिए अहम खरीफ सीजन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में मॉनसून के आने के साथ ही बुआई भी शुरू हो गई है। वहीं खरीफ सीजन में किसान केवल उन्हीं फसलों पर जोर दे रहे हैं जिनसे उन्हें कम लागत में अधिक उत्पादन मिल सके। साथ ही कृषि विभाग की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है कि खरीफ में किसानों की लागत ज़्यादा ना बढ़े। इसे देखते हुए विभाग की ओर से हमेशा किसानों से खरीफ में सोयाबीन खरीदने की अपील की जा रही है। वहीं सोयाबीन बाजार से बीज खरीदने की बजाय अपने घर में उगाई गई फसल के बीजों का ही प्रयोग करें। इस साल खरीफ सीजन में बीज को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रही है। कृषि विभाग का अनुमान है कि इस बार सोयाबीन का रकबा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में कृषि विभाग का कहना है कि अगर किसान बाजार के बीजों की जगह घरेलू बीजों पर ध्यान दे तो लागत कम हो सकती है और अच्छा उत्पादन सुनिश्चित होगा। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी घर घर जाकर किसानों से बात कर रहे हैं। वह उन्हें लगातार बता रहे हैं कि घर पर बीज कैसे उगाएं और कम लागत पर अच्छी फसल और उत्पादन कैसे प्राप्त करें। फिलहाल बाजार में रासायनिक खाद के अलावा बीजों की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन सोयाबीन के बीज की कीमत में 1,000 रुपये का इजाफा हुआ है। पिछले साल 30 किलो वाली सोयाबीन की एक बोरी 2400 रुपये में बिक रही थी, लेकिन इस साल वही बोरी 3400 रुपये में मिल रही है। इसके अलावा कई बार कृषि विभाग में कंपनी के बीजों का अंकुरण नहीं होने की शिकायत की जा रही है। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने महंगे बीज खरीदने की बजाय किसानों से अपील की है कि वे पहले बीजों का अंकुरण देखें और घर पर ही बीजों पर ध्यान दें। वहीं सोयाबीन खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है। इसके अलावा न केवल मराठवाड़ा में बल्कि राज्य में भी सोयाबीन का रकबा बढ़ रहा है। हालांकि प्राकृतिक की अनियमितताओं के कारण पिछले साल इस मुख्य फसल के उत्पादन में गिरावट आई थी, लेकिन कृषि विभाग ने इस साल रकबे में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। वहीं सोयाबीन की खासियत कम समय में अधिक उपज और खेती की कम लागत है। राज्य में इसकी बुआई पिछले 4 साल से बढ़ रही है। इस वर्ष सोयाबीन की खेती 500,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कृषि विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि घर में उगाए गए बीज किसानों के लिए नए जैसे हो सकते हैं। किसानों को सिर्फ अपनी अंकुरण क्षमता की जांच करनी है, इसके बाद उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जिन किसानों ने पिछले वर्ष के बीज का भंडारण किया है वह इसकी जांच किसी कृषि सहायक या बोर्ड के कृषि अधिकारी से कराएं। उसके बाद अगर वह अपने ही गाँव के किसानों को बीज बेचना चाहते हैं तो उसे बेच भी सकते हैं। इसमें अगर किसी किसान को दिक्कत आती है तो कृषि विभाग की सलाह के मुताबिक समस्या का समाधान भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।